हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्टिफिकेशंस बाय अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। मेरा नाम है अभिषेक अग्नेजा और आज हम बात करेंगे जिम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स की। तो ये कोर्स दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहला पार्ट है जिम प्लानिंग, सेकंड पार्ट है जिम मैनेजमेंट। स्टार्टिंग से जो चैलेंजेस आपको आने हैं, जो काम जरूरी आपको करने चाहिए या जिन कामों की नॉलेज चाहिए, सिक्वेंस वाइज इस कोर्स में लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिलेंगे और एंड तक आपको पता लग जाएगा कि आपको जिम एक्चुअल में बनाना कैसे है और उसको मैनेज कैसे करना है। एंड गाइज, इस कोर्स का जो कॉन्टेंट है ये कहीं से कॉपी हुआ नहीं है या किसी और का बनाया हुआ नहीं है। ये कंटेंट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो पिछले 12 साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। उन 12 साल से मैंने एक छोटे से जिम से शुरुआत करके 60+ 60 से भी ज्यादा जिम हो चुके हैं और हम अगले 6 महीने में 100+ जिम का टारगेट कर रहे हैं और आज हमारी कंपनी इंडिया की जिम चेन में सबसे नंबर 1 पे आ चुकी है। तो इस कोर्स की शुरुआत होगी जिम प्लानिंग से और जिम प्लानिंग का पहला लेक्चर रहेगा बजट एनालिसिस। जब भी आप जिम प्लान करते हो, आपको एग्जैक्टली बजट का आइडिया होना बहुत जरूरी है कि आपको किस लोकेशन पे जिम खोलना है और जिस लोकेशन पे आप जिम खोल रहे हो वहां कंपटीशन कितना है और उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपका बजट क्या होना चाहिए। सेकंड लेक्चर आपका रहेगा फाइनलाइजिंग द लोकेशन। जिम में लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपके अंदर पोटेंशियल, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, आपने जिम बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन अगर लोकेशन कंपैटिबल नहीं है तो आप उतने अच्छे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर इसमें रहेगा बाइंग, रेंटिंग द प्लेस और लीगल फॉर्मेलिटीज। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, क्या जगह आपको खुद की खरीद के काम करना चाहिए या जगह रेंट पे लेनी चाहिए, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, जिम चलाने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है, क्या क्या लाइसेंस आपको चाहिए होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं हाउ यू हैव टू चूज जिम इक्विपमेंट्स। तो मशीन्स कैसे चूज करनी है, कौन से आपके जिम के लिए सुटेबल रहेंगी, इंपोर्टेड लेनी चाहिए या इंडियन लेनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी कैसे चेक करनी है मशीन्स की, मेंटेनेंस कैसे मशीन्स की रखी जाती है। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा इंटीरियर डिजाइनिंग एंड जिम लेआउट। तो जिम लेआउट में आपको प्रॉपरली गाइड करा जाएगा कि प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जिम का लेआउट आपको कैसे डिजाइन करना है, एक अच्छे इंटीरियर आप कैसे बना सकते हैं ताकि क्लाइंट जब आपके जिम में आए तो उन्हें एक पॉजिटिव वाइब आए, एक मोटिवेशनल एटमॉस्फेयर आपके जिम में डे 1 से क्रिएट हो। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा स्टाफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग। इस प्रोसेस पे भी आपको प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका जिम कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम आपके जिम में स्टाफ पहले से ही अवेलेबल होना चाहिए। वो स्टाफ कैसे हायर करना है, इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट करने हैं, वो सब हम इस लेक्चर में सीखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन एंड मार्केटिंग। जितनी आप अपने जिम की हाइप क्रिएट करेंगे, जितनी बज क्रिएट करेंगे, उतना क्लाइंट आपके जिम में विजिट होंगे। तो इस लेक्चर पे हम सीखेंगे कि हमें अपने जिम की प्रमोशन कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ब्रांडिंग एंड प्रिंटिंग मटेरियल। आपको पता है जिम में बाहर साइन बोर्ड भी लगता है और जिम के अंदर भी आपको पोस्टर्स लगाने पड़ते हैं ताकि क्लाइंट मोटिवेट हो, एक एटमॉस्फेयर जिम में अच्छा रहे। स्टेशनरी मींस जॉइनिंग फॉर्म्स, रिसीप्ट बुक, ये सब चीजें आपको प्रिंट करानी पड़ती हैं। एंड लास्ट चैप्टर ऑफ जिम प्लानिंग इज ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी आपकी लाइफ का या आपके जिम का सबसे मेमोरेबल डे होता है कि जो भी लोग उस दिन आपके जिम में आए उनको इतना मोटिवेशन मिले कि ओपनिंग सेरेमनी के बाद वो सब लोग अपनी मेंबरशिप एनरोल करके जाए। तो ये सब चीजें हम जिम प्लानिंग में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे अपना जिम प्लान करते हुए, तो कोई भी चीज आप मिस नहीं करेंगे और अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट रेडी कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 2, दैट इज जिम मैनेजमेंट। अब आपके जिम की ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है, अब आपको क्या क्या चीजें करनी है ताकि आप उस जिम को अच्छी तरह मैनेज करें और उस जिम को एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए लीड्स एंड लीड कन्वर्जन। तो इसमें आप सीखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स कैसे जनरेट करनी है और जो लोग आपके जिम का पता करने आ रहे हैं उनको मेंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट आपको चैलेंज आएगा कि सबकी ट्रेनिंग कैसे मैनेज करनी है, कि उनमें कई तरह के क्लाइंट्स होंगे जो पर्सनल ट्रेनिंग भी लेंगे, कोई जनरल ट्रेनिंग भी लेंगे, ताकि सारे लोग सेटिस्फाई रहे, सारे लोग खुश रहे, जिम में एक मोटिवेशनल एटमॉस्फेयर हो, वो लगातार अपना पैकेज जिम में रिन्यू करवाते रहे। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे दैट इज जिम सेल्स मैनेजमेंट, कि आपके जिम का सेल्स का टारगेट क्या होना चाहिए, कि आपके जिम के एक्सपेंसेस कितने हैं और आपको कितनी मंथली मिनिमम सेल्स करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप टारगेट बेस अप्रोच पे काम नहीं करेंगे तो डेफिनेट सी बात है फिटनेस इंडस्ट्री में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चैलेंज आपको आएगा मेंबर्स रिटेन कैसे करने हैं, तो क्या फॉलोअप सिस्टम्स रहेंगे, क्या रिटेंशन सिस्टम्स रहेंगे, ताकि मेंबर एक बार आपसे जुड़ गया वो आपका जिम छोड़ के ना जाए, क्योंकि पुराने मेंबर को रिटेन करना जिम की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा बिजनेस फ्रॉम पर्सनल ट्रेनिंग। अब पर्सनल ट्रेनिंग क्या चीज है, उस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ट्रेनर्स की कैपेबिलिटी आपको कैसे इंक्रीज करनी है और एक्स्ट्रा रेवेन्यू 3 से 4 लाख रुपए तक आप कैसे जनरेट करेंगे फ्रॉम पर्सनल ट्रेनिंग।
नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे ट्रैकिंग मंथली सेल्स रिपोर्ट एंड डेटा एनालिसिस। एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपको मिलेगा कि हर महीने आपको अपने जिम की रिपोर्ट कैसे बनानी है, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री पूरे इंडिया में बहुत अनऑर्गेनाइज रही है। तो आपको एग्जैक्टली अपने जिम की पोजीशन क्लियर रहेगी कि आपका जिम कहां लैग कर रहा है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, किन चीजों पर आपको काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीम बिल्डिंग, क्योंकि आपको पता है जिम बिजनेस एक टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। अगर आपके पास अच्छे ट्रेनर्स नहीं है, अच्छे सेल्स नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है आप अपना ब्रांड ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा ब्रांड बिल्डिंग, कि आपका जिम आपके शहर का नंबर वन ब्रांड कैसा बने, आपके स्टेट का नंबर वन ब्रांड कैसा बने, और एक दिन पूरे इंडिया का नंबर वन ब्रांड कैसे बनेगा। तो ब्रांड को कैसे बनाते हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट, अगर आप चाहते हैं आपके मल्टीपल जिम्स हो, आपको फ्रेंचाइजीज लोगों को देनी है, और आपको पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पे काम करना है, तो क्या ऐसे प्रोसेस और क्या ऐसी मैनेजमेंट की जरूरत होती है ताकि आप अपने ब्रांड को इस लेवल पे ले जाए कि लोग आपकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आए। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट जिम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें मैंने आपको बताया कि कितने चैप्टर्स हम कवर करेंगे, क्या क्या कंटेंट कवर होगा, और ये चीजें जब आप पूरा कोर्स पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि जिम एक्चुअल में चलता कैसे है। और ये कोर्स हम पिछले कई सालों से चला रहे हैं, और जितने लोगों ने ये कोर्स हमसे कराया आज उनके 5, 6, 10 जिम भी हो चुके हैं। और ये ऐसा नहीं था कि वो फिटनेस इंडस्ट्री से आए थे, या बॉडी बिल्डर थे, या एथलीट थे, या फिटनेस का बैकग्राउंड रखते थे। ये कोर्स हर तरह के लोगों ने करा है, डॉक्टर, एडवोकेट्स, एग्रीकल्चर, जिनका खेती का काम था, और आज वो अपने सक्सेसफुल जिम्स चला रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंट्रोडक्शन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।